हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लाखों फैंस हैं। वो बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज करते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि नेता से लेकर अभिनेता तक सभी उनके फैंस हैं। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां स्टार खिलाड़ियों की दीवानी हैं। वो उनके गेम से लेकर उनके लुक्स की दीवानी हैं। अब इस लिस्ट में एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है जो इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। आप ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि विराट कोहली को पसंद करने वाली अब ये एक्ट्रेस कौन है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इस वक्त बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। इस फिल्म में दर्शकों को रणबीर का इंटेंस लुक और एक्टिंग काफी पसंद आ रही है। एक तरफ जहां रणबीर कपूर अपनी एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में हैं, तो वहीं इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से ज्यादा साइड रोल में नजर आई सपोर्टिंग एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी काफी चर्चाओं में है। बता दें कि फिल्म में रणबीर के साथ सोशल मीडिया पर अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है तृप्ति डिमरी। भले ही फिल्म में उनके ज्यादा स्क्रीन टाइम ना मिला हो, लेकिन रणबीर के साथ उनके इंटीमेट सीन काफी वायरल हो रहे हैं। इस वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी को लेकर उन्हें नेशनल क्रश बोला जा रहा है। वहीं उन्होंने अपने क्रश को लेकर बड़ा राज खोला है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच जोया का किरदार निभाने वाली तृप्ति डिमरी ने अपनी फिल्म एनिमल को लेकर एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इस दौरान जब उनसे उनके पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने फेवरेट क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम लिया। वैसे तो विराट कोहली के दुनिया भर में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बॉलीवुड से एक नया नाम उनकी फैन लिस्ट में जुड़ गया है। एनिमल में तृप्ति डिमरी ने बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं, जिसके बाद से तृप्ति डिमरी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं और अब तो देश भर में उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बात करें तो वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक पर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में वो टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं कोहली साउथ अफ्रीका के दौरे पर T20 और वनडे नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान टेस्ट सीरीज में टीम में वापसी करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में खत्म हुआ वर्ल्ड कप कोहली के लिए काफी अच्छा रहा था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।